आप सबों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जेना वर्ल्ड फैमिली से लंबे अरसे से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों के अलावा आज मुझे उनका भी स्वागत करने का अवसर प्राप्त है जो इस परिवार में नए नए जुड़े हैं। मैं स्वयं को गौरवान्वित मान रही हूँ कि आज मुझे इस अवसर पर सभी का स्वागत एवं इसी साप्ताहिक कार्यक्रम के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सम्मानित नामांकित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, यह पहल अपनी संस्था के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है जिसके तहत प्रत्येक सदस्य को समान अवसर दिया जाता है। यह इस सच्चाई से भी जाहिर है कि संस्था को हम पर संपूर्ण विश्वास है और मात्र यही एक वजह है कि आज मेरे जैसा एक व्यक्ति आपके समक्ष है। मैं इस सुयोग के लिए आयोजक मंडल का सहृदय आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। आज का विषय है कि हम महिलाओं और शिशु जो छोटे नवयुवक बच्चे होते हैं उन दोनों के बारे में कि उनको दांतों का ख्याल कैसे रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाएं जो होती हैं जब गर्भ में होती है तो उनके बच्चे इस तरीके से उनके गर्भ में होते हैं जो प्लासेंटा के तहत से जुड़े हुए रहते हैं और इससे उन्हें नर्व सप्लाई, ब्लड सर्कल सब कुछ मिलती है, आहार भी इसी से प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं जो माँ बनने वाली महिलाएं हैं उनसे ये अनुरोध करूंगी कि वो अपने जब वो माँ बनने वाली होती है, जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर में जाती है, तब वो अपना दांतों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि दांतों का ध्यान रखने से वो सही तरह से अपने आप को हेल्दी रख पाएंगी, खाना सही तरह से खा पाएंगी, हेल्दी फूड खा पाएंगी और जिससे जो घर में पल रहे बच्चों को सही पोषण मिलेगा, जिससे उनके जो जितने बॉडी अंग हैं इंक्लूडिंग टिथ सभी में संतुलित पोषण मिलेगा, जिससे उनके टिथ भी मजबूत और बोन्स भी मजबूत बने रहेंगे। इसी तरीके से मैंने पहले के एपिसोड में बताया था कि फिजिकली कैसे कनेक्टेड होते हैं सारे हमारे सिस्टम्स एक दूसरे से। इस एपिसोड में मैं नवजात शिशु यानी छोटे बच्चों के बारे में बताने वाली हूँ। तो छोटे बच्चों के बारे में बताने से पहले मैं उनके माँ को ये बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कभी कभी छोटे बच्चों में सडनली बहुत ही रेयर केसेस में होते हैं कि वो टिथ के साथ ही जन्म लेते हैं, लेकिन वो टिथ बहुत ही वीक और बहुत ही कमजोर होते हैं जो कुछ दिनों के बाद खुद ही निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही मोबाइल टिथ होते हैं। उसके बाद जो टिथ आते हैं धीरे धीरे वो स्ट्रांग होते हैं। वो डिपेंड करता है कि बच्चा 6 महीने तक जो अपनी माँ का दूध पीता है उससे सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, उसी पे उसके टिथ और बाकी सभी सिस्टम डिपेंड होते हैं। अब ये क्वेश्चन होगा कि टिथ कैसे उस पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि टिथ में जो नर्व सप्लाई होती है उसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व से 2-3 नर्व उसके ब्रांचेस सब ब्रांचेस होते हैं जिससे कि हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले टिथ पे नर्व का सप्लाई होता है। बच्चों में भी ठीक ऐसे ही होता है। जैसे जैसे बच्चे छोटे होते हैं फिर वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो उनके जो गम्स हैं वो धीरे धीरे हार्ड और रेडिश होने लगते हैं। जो रिंग्स होती है उनकी बोन्स की, वो अपर जो और लोअर जो यानी कि जो ऊपर वाले टिप है और नीचे वाले टिप है उनमें रिंग्स एक बननी शुरू हो जाती है, वो रेडिश कलर की होती है। वो रिंग्स को बननी शुरू हो जाती है तो माओं को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को अच्छी तरीके से वो एक सॉफ्ट टॉवल या कपड़े लेकर के, कॉटन लेकर के सिर्फ पानी से उसको साफ करते रहना है ताकि उसके ऊपर किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ या खाने का कुछ भी सामान ना हो ताकि टिथ निकलने में आसानी हो। उनके टंग को भी क्लीन करते रहना जरूरी है क्योंकि टंग क्लीन रहेगा तभी वो स्लाइवा सिक्रीशन बनना शुरू होता है, क्योंकि बच्चों में जो है स्लाइवा सिक्रीशन धीरे धीरे वो बनना शुरू हो जाता है जैसे जैसे उनके दांतों का ग्रोथ का टाइम शुरू हो जाता है। जब छोटे होते हैं तो उनका सारा कुछ डिपेंड होता है उनकी माओ पर, इसलिए माओ को हेल्दी फूड्स, हेल्दी डाइट्स यानी कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कैल्शियम्स, पोटाशियम्स, फ्लोराइड्स
ये सब सारे चीज के इंक्लूडिंग फूड्स खाने चाहिए। और हमें जो है ऑयल्स में जो मोनोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स जो ऑयल्स होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए। जो नॉर्मल ऑयल्स हैं उन्हें नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे डाइट्स में इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और 6 महीने तक बच्चों को अपना दूध ही दे, बाहर का दूध ना दे, अथवा उनके इम्यूनिटी सिस्टम में और दांतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके दांत वीक हो सकते हैं और रिंग्स प्रॉपर नहीं बनती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के दांत तो निकल भी नहीं पाते प्रॉपर टाइम में। ऐसा आजकल के केसों में बहुत जगह देखा जाता है कि माएँ अपने बच्चों को अपने थोड़ा फिजिकली फिट रहने के लिए या कुछ भी दिखाने के लिए बच्चों को बहुत जल्दी अपने आप से दूर कर देती है, जो उनके लिए पोषण के लिए सही नहीं है। इसका खास ध्यान रखना चाहिए माओं को। साथ ही जब बच्चा 6 महीने का होता है तो जिन्हें स्पंदन शुरू हो जाती है वो हार्ड होने लगती है, धीरे धीरे वहाँ के बोन्स हार्ड होने लगते हैं, तो उस पर ज़्यादा परेशान ना हो। वो थोड़ा सा सूजन आएगी, धीरे धीरे दांत जब दिखती है तो सूजन आती है तो वहाँ पे आपको जो है हल्के हल्के हाथों से कोल्ड वाटर जो होती है उससे हल्के हल्के रुई कॉटन या कोई सॉफ्ट कपड़ा लेके कोल्ड वाटर से उसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का डिप करते रहना चाहिए, जिससे कि वो दर्द हल्के जो होते हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, उनके पेट में भी प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा। बेसिकली देखा जाता है जब बच्चे की दांत निकलने की अवस्था होती है, जैसे 6 मंथ्स में बच्चों के नॉर्मली दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, उस टाइम में क्या होता है कि उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो माएँ जो हैं वो ध्यान नहीं रख पाती उनके रिंग्स की, जिसकी वजह से कि उनको दांतों में सूजन होती है और उसका ध्यान नहीं रख पाती, कभी गर्म और ठंडा इस तरह से कुछ दे देती है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे स्टक रह जाते हैं फूड्स और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, स्वेलन और बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से वो डाइजेशन सही नहीं हो पाता, तो बच्चे जो है टिक खाने को निगल लेते हैं, जो निगल लेते हैं खाने को, इसकी वजह से क्योंकि उनमें सलाइवा इतना ज़्यादा होता है कि वो निगल लेते हैं विदाउट से मसूरे से तो थोड़ा सा क्रश करने के बगैर वो निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, लूज मोशंस वगैरह शुरू हो जाते हैं। ये नहीं होगा अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और न्यूट्रिशन का खासकर ध्यान रखें, कैल्शियम का खासकर। जब भी दांत का ये प्रॉब्लम, दांत ग्रोथ स्टार्ट होते हैं, इरप्शन स्टार्ट होती है, उस समय खास दांत आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जब ये धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं तब आपको खासकर ये ध्यान रखना है कि बच्चों को उसके बाद आप अपना दूध ना दें, क्योंकि उसके बाद वो आपका दूध जो है वो उनके लिए उतना पौष्टिक नहीं होता, क्योंकि दांत निकलने के बाद उनको धीरे धीरे च्यूइंग की जरूरत होती है। च्यूइंग करना बहुत ज़रूरी है दांतों को स्ट्रांग बनाने के लिए और मसूड़े और गम्स को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। अगर इनके बच्चे वाले टूथ अगर सही नहीं होंगे तो जो 2-2.5 साल के बाद जो ये टीथ निकलते टूटते हैं, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाते हैं 9 साल तक, और ये फिर जब नए टूथ निकलते हैं उनमें भी प्रॉब्लम ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए इसका खास ध्यान रखिए। और साथ ही ये ध्यान रखिए कि आप जिस तरह से खाना खाते हैं उसी तरीके से अपने बच्चों को भी छोटी छोटी डाइट्स खिलाना शुरू करें जब उनके टीथ निकलते हैं, जैसे कि दाल चावल मिला के थोड़ा उसको मैश करके उनको निगलने ना दें, उनको च्यू करवाएं, चम्मच से खिलाएं, कभी भी बोतल फीडिंग ना कराएं उसके बाद, क्योंकि उससे प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे दांतों में कैविटी होने की संभावना होती है, इसलिए जैसे ही टिप निकले तब उनको जो है चम्मच से खाना खिलाने की प्रैक्टिस करानी शुरू कर देनी चाहिए, या दूध पिलाना हो वो भी चम्मच से, लिक्विड डाइट ही खिलाएं बट चम्मच से खिलाना शुरू कर देना चाहिए धीरे धीरे। जैसे दाल हो गया, दलिया हो गया, ये सब चीज़ें बहुत प्रोटीनस होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है, और कैल्शियम्स, ये अलग से कैल्शियम्स भी उनको देने होते हैं उस टाइम में, आपको आयरन्स भी देने होते हैं उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अब तक तो आपके साथ रिलेटेड था लेकिन अब बाहरी दुनिया से इन्वायरमेंट से रिलेशन उसका बनने जा रहा है, उसके लिए उसको और भी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखें, और खासकर जब बच्चे कुछ भी चीज़, जैसे कभी कोई छोटा बच्चा कोई लकड़ी वगैरह ये सब लेके कटिंग करने लगता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कराएं, आप ज़्यादा ध्यान रखें, उससे क्या होता है दांत थोड़े से कट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दांतों में वो छेद 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 हो जाता है, बाद में कोई भी खाना उसमें फंसेगा तो वो कैविटी होने की संभावना होती है। माँ को ये ध्यान रखना है कि बच्चे के मुँह में अगर थोड़ी सी भी कभी भी ब्राउन या वाइट स्पॉट आए तो 6 महीने के बाद आप उसको डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं,
वो क्या है कि डेंटिस्ट उसको सही तरीके से देखेंगे, अगर छोटी से छोटी कैविटी भी होगी तो उसको फिल करेंगे, ताकि आगे जो दांत आने वाले फ्यूचर टीथ जो होती है, जो परमानेंट टीथ होती है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो, कभी कोई आरसीटी की जरूरत ना पड़े, कोई भी टीथ मोबाइल ना हो, मसल्स स्ट्रांग हो, गम्स मसल्स स्ट्रांग हो, इसके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, साथ में जब आप बच्चों को ब्रश कराएं तो ब्रश बहुत ही पतले, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट ब्रशेस से कराएं, और बहुत ही हल्के से, बहुत ज्यादा प्रेशर भी ना दें, उससे भी प्रॉब्लम होती है, हल्के प्रेशर से करें, खुद से करें, और बच्चों को भी बताएं कि कैसे ब्रश करते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप डेंटिस्ट के पास जाके उनसे पूछें कि छोटे बच्चे को कैसे ब्रश कराते हैं, और कभी भी पेस्ट यूज ना करें, क्योंकि तो इसमें फ्लोराइड्स और ये सब मिले होते हैं जो कि बच्चों के दांत के लिए सही नहीं होता। तो बच्चों को नॉर्मली ब्रश कराएं शुरू में, साफ हमेशा क्लीनिंग कराएं, एक फ्लॉस आती है पतली सी बच्चों के लिए, वो भी कराते रहें, उनको बताएं, खुद भी उनके साथ करें, उनके हेल्प करें, उनको बताएं ऐसे ऐसे करने के लिए, मिरर के सामने रह के उनको सिखाएं। उसके बाद उनको सही से ब्रश कराएं, सही से खाना खिलाएं, कि खाना जो खाते हैं तो च्यूइंग करेंगे, च्यूइंग में जो स्लाइवा आता है, वो स्लाइवा जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो उतना अच्छा होता है एक हेल्दी गम्स और हेल्दी टीथ और हेल्दी बॉडी के लिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत ही मुंह से होती है, तो स्लाइवा में हमारे एंजाइम्स होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन होता है, और तरह के ऐसे को एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, उसको सेमी लिक्विड फॉर्म बनाने में बहुत जरूरी है, जिससे कि जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाए और सर्कुलेट करें और ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जैसे मेटाबॉलिज्म में जाके एंटर करें, तो वहाँ पे वो सही तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिससे कि हम अपने बॉडी को सही रूप से संचालित कर सके, इसमें किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। बच्चों में अक्सर पाया जाता है कि वो च्यूइंग प्रॉपर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी पेट में दर्द भी रहता है जो कि अनडाइजेस्ट फूड की वजह से होता है। इन सब का काफी ध्यान रखना होता है। ये सब चीजों की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, आप इन्हें बहुत ध्यान से सुने और अपने बच्चों की बहुत प्यार से देखभाल और ध्यान से देखभाल करें, ताकि उन्हें आगे फर्दर किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जैसे आप, मैंने ये बताया है कि जैसे टिथ चल रही है, वैसे ही इनको फीडिंग जो होती है दूध, वो दूध भी ग्लास से दे, कभी भी बोतल फीडिंग ना कराएं। अगर आप बोतल फीडिंग कराते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो बच्चे में सही तरीके से पोषण नहीं जाता, और दूसरी बात होती है कि वो जो निप्पल्स होते हैं वो सही तरीके से नहीं होते, जिसकी वजह से उनको जो है एक बच्चों की कैविटी होती है वो उत्पन्न हो जाती है दांतों में, इसको रामपेंट कैविटीज कहते हैं, वो पूरे दांतों में हो जाती है। वही कैविटी जब बच्चे जो 6 मंथ्स के बाद भी, दांत होने के बाद भी, जब वो अपने इससे मदर मिल्क से सही अपना डाइट पूरा करते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि 6 महीने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चों को आउटर फूड पे कंट्रोल करना सिखा दें, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए आउटर फूड की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद आपको हमेशा उनके दांतों का ध्यान रखना होगा, ताकि उनके दांत कभी भी किसी तरह से टेढ़े मेढ़े ना हो। ध्यान रखें, मसूड़े को हमेशा मसाज करते रहें, कि जब टिथ निकलती है तो उनकी 2 से 3 साल तक टिथ निकलती ही रहती है। सबसे पहले जो टिथ निकलती है वो होती है उनकी कनाइल्स, उसके बाद होती है आगे के टिथ निकलते हैं फ्रंट के, फिर बैक के टिथ निकलते हैं। जैसा कि ये है इरप्शन, ये कैसे होता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इरप्शन के कुछ फोटोज हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेंट्रल इंसाइजर जो है वो होते हैं आगे के दो टीथ, ये दोनों टीथ छोटे मिल्क टीथ होते हैं, तो एकदम वाइटिश होते हैं, और उसके बाद वाला जो टीथ होता है वो लेटरल इंसाइजर होता है, उसके बाद वाला जो टीथ होता है वो कनाइंस होता है, कनाइंस थोड़ा नुकीला टाइप का होता है, उसके बाद जो टीथ होते हैं वो फर्स्ट मोलर होते हैं, फिर सेकेंड मोलर होते हैं, जिसको आप जार कहते हैं। बच्चों में दो ही जार होती है, छोटी छोटी, बहुत ही छोटी, जिनके रूट बहुत ही छोटे होते हैं और वो बहुत ही मिल्की वाइट होते हैं, इसलिए उन्हें प्राइमरी टीथ या मिल्की वाइट टीथ भी कहा जाता है, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स अगर दांतों में हो तो आप 6 महीने के बीच में, 6 महीने के अंतराल पर आप बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाके
उसे थोरो चेकअप करा सकती है ताकि आगे फर्दर किसी भी तरह की कोई शिकायत उनके दांत में ना आए। इससे जब वो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट होते हैं, जब वो टीथ लूज करते हैं और वो परमानेंट टीथ आते हैं, उसमें इसका ट्रांसमिशन ना हो, ये चीज का खास ध्यान रखिए। और साथ ही मैंने ये भी देखा है कि जब माँ बच्चों को बोटल फीडिंग के लिए देती है तो उनके निपल्स को हाथ से टच करती है या मुंह से टच करती है ताकि वो ठंडा गर्म कैसा हो, ये कभी ना करें। इससे जो आपके मुंह में बैक्टीरिया और वायरस जो भी कुछ है बीमारी, वो उस निपल्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो सकते हैं आपके बच्चों में। इसका खास ध्यान रखिए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को आप चम्मच से पिलाने की कोशिश करें जितना संभव हो सके, थोड़ी थोड़ी। और बच्चों की डाइट बहुत ही छोटी होती है, उन्हें प्रेशर करके कभी भी खाना ना खिलाएं, थोड़े थोड़े देर के अंतराल पे उन्हें खाना खिलाएं ताकि उनका बॉडी जो है धीरे धीरे जो ग्रोथ करता है वो अडेप्ट कर सके इस बाहरी एनवायरनमेंट से, क्योंकि उन्हें बाहरी एनवायरनमेंट से अडेप्ट करने के लिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बच्चों के हो चाहे वो बड़ों के। तो जैसे आप बच्चों के टीथ का जितना ध्यान रखेंगे उतना ही उनके टीथ स्ट्रांग होंगे और अच्छे से खाना खा पाएंगे। इसलिए उनको च्यूइंग की हैबिट जरूर लगाएं। ज्यादातर तो मैंने देखा है लोग अपने बच्चों को च्यूइंग की आदत भी लगाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में प्रॉब्लम होती है बाद में वो च्यू नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उनकी दांत की मोबिलिटी हो जाती है और दांत सही से ग्रो नहीं कर पाते। इसकी वजह से बाद में जब उनके दांत आते हैं तो वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, उनमें जल्दी जल्दी कैविटी लग जाती है, जल्दी दांत एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, गम्स में पिगमेंटेशन हो जाते हैं और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं सत्य डिस्कस कर रही थी। और कुछ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे बच्चों की क्लीनिंग नहीं करानी चाहिए। जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाके बच्चों की क्लीनिंग कराते हैं, वो नहीं कराते हैं, वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तभी हम उनको इंस्ट्रूमेंट से क्लीन करते हैं। चेकअप करा सकते हैं पर डेंटिस्ट के पास क्लीनिंग नहीं कराते, उनको प्रिवेंशन ही करते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि माँ बाप ही प्रिवेंट करे, बच्चे प्रिवेंट नहीं कर सकते अपने आप। और याद ध्यान रखें, कभी भी बच्चों की मुंह में अगर कोई भी ब्राउन स्पॉट या व्हाइट स्पॉट या ब्लैक स्पॉट किसी भी तरह का स्पॉट दिखे, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाएं, उसे थोरो चेकअप कराएं, उसे तुरंत क्लीन अप करा लें। जब बच्चे 18 मंथ्स के हो जाते हैं तब, यानी 2 ईयर्स के लगभग हो जाते हैं, तब उन्हें फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज करना सिखाते हैं, क्योंकि तब उन्हें फ्लोराइड की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फ्लोराइड। पूरे हमारे टीथ जो है, बच्चे के टीथ 2 से 3 साल के एज में पूरे प्राइमरी टीथ निकल आते हैं, उनका ये एज है। शुरुआत होती है 6 मंथ से और 3 ईयर तक में सारे टीथ आ जाते हैं। बच्चों में सिर्फ 20 टीथ होते हैं, जिसमें कि आगे के 4, 2 और 2, लेफ्ट और राइट 2 और 2, 4, एक नुकीला वाला दांत दोनों साइड होता है, इसको कनाइन कहते हैं, बाकी 2 जार होते हैं दोनों साइड, ये ऊपर नीचे दोनों होते हैं। इस तरह के 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, नीचे भी 5 लेफ्ट एंड 5 राइट साइड, तो टोटल मिला के 20 टीथ होते हैं। उस 20 टीथ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आगे फर्दर वही 20 टीथ अगले आगे आने वाले टीथ को न्यूट्रिशन और सही तरीके से डाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से गम्स हेल्दी होता है और आगे के जो परमानेंट टीथ होते हैं वो भी हेल्दी होते हैं। इसको इसलिए डाइट का हमेशा ध्यान रखें, च्यूइंग का प्रॉपर ध्यान रखें, क्यू जरूर करें। बच्चे बेसिकली च्यूइंग नहीं करते, इसका खास ध्यान रखें। इसका ध्यान मदर्स को ही रखना होता है क्योंकि बच्चे नहीं रखते इनका ध्यान। ये सब मैंने खास कर देखा है बच्चों में जो बीमारी, खासकर इन सब चीजों की। डॉक्टर सीमा, आपका वो वीडियो रुक गया है, क्या आप लॉग आउट और लॉग इन कर सकती हैं? कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके।
सॉरी अभी कुछ थोड़ी देर के लिए शायद कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे जिसकी वजह से हमें खेद है। मैं बताना चाह रही थी कि जो मदर और बच्चे इन दोनों का संबंध जो होता है जिस तरीके से पूरे दुनिया में फेमस है वैसे ही संबंध जो है टित से भी फेमस है। टित भी मदर की वजह से ही बच्चों के टित स्ट्रांग होते हैं, मदर की वजह से ही बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मदर की वजह से ही बच्चों का फिजिकल मेंटल हेल्थ और नॉर्मल टित हेल्थ आईज हेल्थ नोज हेल्थ हर एक हेल्थ उसी पर डिपेंड करता है। ये आज का यही टॉपिक था और दांत के बारे में तो मैंने सब कुछ बता ही दिया, बाकी फिजिकली आप नेक्स्ट एपिसोड में हमारे फिर देखेंगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करें और पसंद करें, शेयर करें। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो हम उस पर एक चर्चा रखेंगे। अगर वो कमेंट जायज हुए जो प्रॉपर बताने लायक हुए तो हम उन पर चर्चा करेंगे, पूरी तरीके से उन्हें बताएंगे ताकि आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो सके कि आखिर इन सब दांतों का हमारी बॉडी से क्या क्या रिलेटेड है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे के बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे जो गेस्ट हैं ऋषु, वो कुछ क्वेश्चंस करेंगी जिनका मैं आंसर दूंगी। वो शायद आप लोग भी रिलेवेंट होंगे कि वैसा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा, आप भी पूछ सकते हैं। तो ऋषु जी आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आप पूछिए। हाँ जी मैम, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे कि मतलब जो छोटे बच्चों के टीथ होते हैं वो कब तक आना शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चे के टीथ जैसे कि मैंने बताया कि 6 मंथ से लेके शुरू हो जाते हैं, किसी किसी बच्चे के 2 मंथ बाद भी टीथ आते हैं लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो मोबाइल हो जाते हैं। कोई कोई है जैसे इसको इन्फेंट में भी टीथ आते, जैसे छोटे बच्चे बेबी में भी टीथ आते, बच्चों के टीथ आने के बाद जो है डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए चेकअप के लिए। बच्चों के टीथ आ जाते हैं सबसे पहले तो माओ को ध्यान रखना होता है कि बच्चे में कोई व्हाइट और ब्लैक स्पॉट टीथ पे ना आए, ब्लैक ब्राउनिश या किसी तरह के स्पॉट हो या गम्स में कुछ प्रॉब्लम हो, गम्स में बहुत ज्यादा रेडिशनेस आ रही है क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत होता है ना बच्चों में, तो रेडिशनेस आ रही है या सूजन आ रही है, तो आप जाके 2 मंथ के बाद 3 to 4 मंथ के बाद आप कभी भी डेंटिस्ट के पास जा करके दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैम, जो टीथ हैं बच्चों के न्यू टीथ हैं जो जन्म के तुरंत बाद ही आना शुरू हो जाते हैं क्या? नहीं ये तो रेयर केस है, ऐसे ये बहुत ही कम होते हैं। जनरली तो बच्चों के टीथ 6 मंथ्स 2 years, 3 years तक आते हैं, बट रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में किसी बच्चे के बर्थ के बाद ये टीथ आते हैं, लेकिन वो आफ्टर बर्थ कुछ दिनों के बाद इतनी मोबाइल और इतनी वीक होते हैं कि वो खुद ही निकल भी जाते हैं या आप उनको निकलवा सकते हैं, वो अपने आप निकल जाते हैं, उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और ये मेरा चौथा क्वेश्चन है मैम, बच्चों के जो टीथ है ना उनका ध्यान मदर को किस तरीके से रखना चाहिए? बच्चों के टीथ है ना प्रॉपर देखभाल करनी होती है, जैसे हेल्दी डाइट, उनको हेल्दी डाइट खिलाना चाहिए। जब बच्चे पेट में होते हैं माँ के गर्भ में होता तब तो माँ को खाना खाना होता है सही, लेकिन जब बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं एनवायरमेंट में आ जाते हैं तो उनको क्लीन हैबिट डेवलप करानी चाहिए, हेल्दी फूड। बच्चे अक्सर जो है ना फास्ट फूड की तरफ धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं, अभी इस एज में बच्चों को धीरे धीरे हमें हेल्दी फूड्स के बारे में जानकारी देती रहनी चाहिए, खुद भी हेल्दी फूड्स खाना चाहिए और बच्चों को भी हेल्दी फूड्स खिलाना चाहिए, जैसे कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हुए जिसमें कैल्शियम विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स ये सब चीजें हो, मिल्क हुए उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला करके,
फिर घी वगैरह ये सब खिलाते रहते बच्चों में, इससे उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है। डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के हेल्दी टिप, हेल्दी गम्स और हेल्दी बॉडी के लिए। मेरा पांचवा क्वेश्चन है मैम कि बच्चों के कितने टीथ होते हैं और कब तक सारे टीथ आ जाते हैं? बच्चों के बेसिकली 20 टीथ होते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, वैसे मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में, मैंने बताया थी बच्चे के 20 टीथ होते हैं। 20 यानी कि दो आगे के दो हुए, इनको कनाइन कहते हैं, सेंट्रल इंसाइजर। सेंट्रल इंसाइजर ये दोनों टीथ होते हैं। उसके बाद जो वाले जो टीथ होते हैं इसको कहते हैं लेटरल इंसाइजर। उसके बाद वाले जो टीथ नोकुली करके दोनों साइड आते हैं, कनाइंस कहते हैं उसको। उसके बाद जो आता है वो फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर, जो फर्स्ट पहली जार और दूसरी जार होती है उसको। इसमें सबसे खास बात रखी जाती है कि इसमें प्री मोलर्स नहीं होते हैं। तो दोनों साइड लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे मिलाते हैं 5 5 5 5 20 टिप्स होते हैं। और ये अप टू 2 to 3 इयर्स तक ये कंप्लीट टिप आ जाते हैं, इरेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके मैम, ठीक है। मेरा छठा क्वेश्चन मैम ये है कि क्या बच्चों के टिप्स में स्केलिंग हमें करानी चाहिए? नहीं, स्केलिंग कभी भी नहीं करानी चाहिए, स्केलिंग प्रोहिबिटेड है। बच्चों के टिप में कभी भी स्केलिंग नहीं करानी चाहिए। अगर बच्चों के टिप में कुछ प्रॉब्लम है आप डेंटिस्ट के पास जाइए। अगर आपको समझ नहीं आता है बच्चों के टीथ को कैसे ब्रशिंग करानी चाहिए, आप बच्चों से डेंटिस्ट से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि बच्चों को टीथ को कैसे मालिश करते हैं, कैसे मसाज करते हैं, जिससे कि बच्चों के टीथ और गम्स स्ट्रांग होते हैं, क्लीन होते हैं, उन्हें किसी तरह की बैक्टीरिया नहीं, कैरीज नहीं होती, बैक्टीरिया उसमें इंगल्फ नहीं होते, जिसकी वजह से उनको किसी तरह की कोई टीथ की प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली ये है कि डेंटिस्ट के पास कम से कम 6 महीने के बीच अंतराल में जाना चाहिए ताकि बच्चों का प्रॉपर देखभाल हो सके, नॉट फॉर द टीथ, फॉर द होल बॉडी। और कोई क्वेश्चन आपके होंगे, आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और? बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू मैम, आपने सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं, सबको समझ में भी आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो सीमा मैम का थैंक यू कि उन्होंने इतने अच्छे से सबको समझाया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में एक गेस्ट बन के आए हैं। थैंक यू सो मच आपको, और अपना एक क्वेश्चन रखा ताकि लोगों को समझ में आए कि दांतों से जो लोग भागते हैं, दांतों को प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, बच्चों के दांतों को प्रिकॉशन नहीं लेते, उससे क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या क्या परेशानी हो सकती है, और ये कितना जरूरी है हमारे लिए। से आपका बहुत तहे दिल से हम जैना फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद शिशु जी का। जी ओके, थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।